चले जी, बहुत बड़ी खबर आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुए हैं कि डोडा एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि दो आतंकियों को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया गया है, और आपको बता दें कि एक जो एसपीयू है वो इसमें इंजर्ड है। आप जानते ही हैं कि थोड़ी ही देर पहले ही एक एनकाउंटर की शक्ल में जो है एनकाउंटर स्टार्ट हो चुका था, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और इन आतंकियों के बीच में जो है मुठभेड़ स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें एक बहुत बड़ी अपडेट सामने नजर आ रही है कि दो आतंकी और एक एसपीओ जो है इंजर्ड है। आप लोग प्रार्थना करें जो एसपीओ इंजर्ड है वो जल्द ठीक हो। और आपको बता दें कि आप जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से अगर डोडा की बात करें तो डोडा में जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, और लगातार पिछले 10 से 12 दिनों से जो है इन इलाकों में, चाहे बलेसा का इलाका हो, चाहे आप जानते ही हो गूल का इलाका हो, तो ये जितने इलाके हैं यहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिसके बाद आज सुबह ही सस्पिशियस मूवमेंट वहां पे देखने को मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची, उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया, पूरे इलाके को सर्च किया, जिसके बाद एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद जो है आपस में फायरिंग स्टार्ट होगी, जिसमें अभी की जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि दो आतंकियों को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मार गिराया गया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी कहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में भी आपने सुना होगा कि डीजीपी आरआर सैन की तरफ से जो है एक बयान आया था कि अब हम जल्द ही जो ये फॉरेन टेररिस्ट हैं इनको जो है मार गिराएंगे। और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि आज डोडा में जो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ उसमें जो है अभी तक जो खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि काफी तेज फायरिंग इन जंगलों में देखने को मिली, काफी तेज गोलाबारी हो रही थी, जिसके बाद आपस में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और बताया ये जा रहा है कि दो आतंकी इसमें मारे गए हैं। अभी भी पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा घेरा गया है, घेर के रखा गया है, वहां पे सर्च की जा रही है ताकि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए कि आखिरकार कहीं और आतंकी यहाँ पे तो नहीं छुपे हुए, क्योंकि 2 से 3 की सस्पिशियस मूवमेंट यहाँ पे बताई जा रही थी। अभी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपना काम कर रही हैं, लगातार वहां पे जो है सर्च कर रही हैं। जो भी जानकारी होगी इस एनकाउंटर के लिए हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई दिनों की बात करें तो कल या परसों की बात करें तो राजौरी में भी जो है काफी सारे सर्च ऑपरेशन चलाए गए, उधमपुर की बात करें तो वहां पे भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कठुआ की बात करें तो वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस काफी सतर्क हैं, अपना काम कर रही हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हेड हैं डीजीपी आरआर सैन, उनकी तरफ से भी जो है ऑर्डर आ चुका था कि अब हम जो है इनको नहीं छोड़ेंगे। वहीं आप जानते ही हैं कि गृह मंत्रालय से भी जो है इनकी मीटिंग ली गई थी और इनसे बातचीत की गई थी कि आखिरकार क्या पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी एजेंसीज हो, सिक्योरिटी फोर्सेज हो, उन्होंने अपनी मुस्तैदी दिखाई और आज जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को हासिल हुई। जो भी इस एनकाउंटर को लेकर अपडेट होगी हम आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे।